नमस्कार, मैं रवि राय ज्योतिष सरोवर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, अपनी आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे राजयोग पर। आज हम चर्चा करने वाले हैं मेष लग्न की जन्म कुंडली में बनने वाले राजयोगों पर, और यह वीडियो जो बन रहा है वह आप ही के सुझाव पर बन रहा है। आप में से किसी दर्शक ने मुझसे कहा कि गुरु जी, आप प्रत्येक लग्न के राजयोगों पर एक वीडियो बनाइए। मुझे उनका सुझाव अच्छा लगा। यदि आपके मन में भी ज्योतिष से संबंधित कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, तो आप चैनल के किसी भी वीडियो पर जाकर के कमेंट कर सकते हैं। हम जरूर प्रयास करेंगे कि हम आपके भी प्रश्नों का उत्तर दें। और अभी हमने हाल में ही सवाल जवाब श्रृंखला का शुभारंभ किया है कार्यक्रम में। उस कार्यक्रम के तहत हम दर्शकों के प्रश्नों का जवाब देते हैं। आप वहां जाकर के अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं। आइए चर्चा शुरू करते हैं। राजयोग एक ऐसा शब्द जो मन में खुशी का संचार कर देता है, और मेरे पास भी जो लोग जन्म कुंडली दिखाने आते हैं उनमें से अधिकांश लोगों का यह प्रश्न होता है कि गुरु जी, क्या हमारी जन्म कुंडली में भी राजयोग है क्या? तो आइए आज हम जानते हैं कि मेष लग्न के वो जातक, या आपके घर परिवार में कोई मेष लग्न का हो, अच्छा यह विचार कीजिएगा लग्न कुंडली से, क्योंकि यह जो मैं राजयोग बता रहा हूं वह लग्न कुंडली के आधार पर बता रहा हूं, तो इसका विचार लग्न कुंडली से कीजिएगा। आइए चर्चा शुरू करते हैं। मैं कुछ सूत्र दूंगा आपको, उस सूत्र को यदि आप नोट कर सके तो बहुत अच्छा, या मैं समझा रहा हूं समझते चलिए, बहुत आसानी से आप समझ जाइएगा। और वीडियो के अंतिम में मैं भाग्येश गुरु से जुड़ी एक ऐसी बात बताऊंगा जो आपको हतप्रभ कर देगी, तो जुड़े रहिएगा। आइए चर्चा शुरू करते हैं। देखिए, मेष लग्न की जन्म कुंडली में यदि लग्न में पहला सूत्र है, यदि लग्न में उच्च के सूर्य हो, जहां एक अंक लिखा हुआ है, चतुर्थ स्थान में उच्च के गुरु हो, और दशम स्थान में उच्च के मंगल हो, तो यह एक अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग होगा। इसका कारण यह है कि सूर्य पंचमेश है, त्रिकोण का लग्न से संबंध अपने आप में श्रेष्ठ, और यहां तो सूर्य उच्च के हो रहे हैं, ग्रहों के राजा, जो हमें दृष्टि देते हैं, जिससे हम रोशनी पाते हैं, जिससे हम ऊर्जा पाते हैं, और वो उच्च के हो रहे हैं। गुरु मेष लग्न में भाग्येश होते हैं। अब भाग्येश गुरु यदि उच्च के हो गए और जाकर के स्थित कहां हो रहे हैं, तो सुख स्थान में, जनता भाव में, यानी व्यक्ति जनता का दुलारा होगा, भाग्यशाली होगा, जमीन जायदाद का मालिक होगा। और दशम में उच्च के मंगल, कर्म भाव में उच्च के मंगल कार्मिक क्षेत्र को भी अच्छा कर देंगे, व्यक्ति ऊर्जावान होगा, कर्मठ होगा, और अपने गुणों से, अपने कर्मों से समाज में अच्छी पद प्रतिष्ठा अर्जित करेगा। तो यह पहला सूत्र था। दूसरा सूत्र, यदि उच्च के सूर्य लग्न में हो और उच्च के गुरु चतुर्थ में हो और चंद्रमा भी यहां स्थित हो, तो चंद्रमा यहां स्वग्रही होंगे, यानी स्वराशिस्थ होंगे, यानी जिसकी जन्म कुंडली में सूर्य भी अच्छे हो गए और चंद्रमा भी अच्छे हो गए, आधे से अधिक परेशानी तो यही दो ग्रह दे देते हैं। अब ये यदि अच्छे हो गए तो फिर कहना ही क्या, और भाग्य से भी उच्च के हो रहे हैं, यदि ये स्थिति भी आपकी जन्म कुंडली में है तो आप अत्यंत भाग्यशाली हैं। अब आ जाते हैं तीसरे सूत्र, यदि जन्म कुंडली में नवमेश और दशमेश का स्थान परिवर्तन, नवमेश अर्थात भाग्य स्थान और दशमेश अर्थात कर्म स्थान, स्थान परिवर्तन का क्या अर्थ, स्थान परिवर्तन अर्थात यहां के स्वामी शनि आकर के स्थित हो जाए भाग्य भाव में, और भाग्य स्थान के स्वामी गुरु स्थित हो जाए दशम भाव में, तो भी यह एक बहुत ही श्रेष्ठ राजयोग होगा, क्योंकि नवम भाव सर्वाधिक शुभ त्रिकोण और दशम भाव सर्वाधिक बलि केंद्र, और ये दो भाव यदि बलि अवस्था में हो तो जातक निसंदेह अपने जीवन काल में अत्यंत उच्च पद प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। यहां एक बात मैं कहना चाहूंगा, मैं अभी जितने भी राजयोग बता रहा हूं उसमें कुछ राजयोगों में तो मंगल की स्थिति स्वतः बहुत अच्छी है, बाकी जहां मंगल की चर्चा नहीं हो रही है वहां आपको देखना यह अवश्य आवश्यक हो जाएगा कि मंगल बलि स्थिति में हो, मंगल अच्छी स्थिति में हो, क्योंकि यदि मंगल में बल नहीं हुआ तो राजयोग का फल कम मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब मंगल की अवस्था क्या है इसके आधार पर निर्धारित होगा,
क्योंकि जिसका लग्न खराब हो, जिसका लग्नेश बलि ना हो, फिर राजयोग का जो संपूर्ण लाभ है हाँ वह एम्बिशियस होगा, महत्वाकांक्षी होगा, उसमें सारे हाव भाव होंगे, पर जहां पद की बात आएगी, जहां धन दौलत संपत्ति की बात आएगी, वहां व्यक्ति पीछे रह जाता है। यह मैंने प्रैक्टिकल तौर पर देखा, इसलिए यहां यह बताना जरूरी था। अब आ जाता हूं यहां पर, इससे जुड़ी एक और चीज मैं आपको बता दूं। यहां जब शनि स्थित होंगे तो शनि की तृतीय दृष्टि कहां जाएगी? लाभ स्थान पर, जो उनकी मूल त्रिकोण राशि है। तो यहां पर तो कितना सुंदर कॉम्बिनेशन है ये। अगर ये कॉम्बिनेशन बनता है तो जातक या तो सरकारी सेवा में उच्च पद पर जा सकता है, या बहुत संभव है वह सरकार भी चला सकता है, यानी मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर इत्यादि की भी संभावना होती है। एक और नियम, यदि चतुर्थेश और पंचमेश में स्थान परिवर्तन, क्योंकि चतुर्थ स्थान केंद्र और पंचम स्थान त्रिकोण, पंचमेश सूर्य यदि स्थित हो जाए चंद्रमा के भाव में और चतुर्थेश चंद्रमा यदि आ जाए सूर्य के भाव में, तो यह भी एक अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग होगा। वह इसलिए होगा क्योंकि पंचम स्थान किस चीज को दर्शाता है? पंचम स्थान दर्शाता है बुद्धि को, पंचम स्थान दर्शाता है विवेक को, पंचम स्थान दर्शाता है संतति को, पंचम स्थान दर्शाता है हमारी एनालिटिकल एबिलिटी को। अब चतुर्थ स्थान दर्शाता है जनता के सुख को, जब भूमि भवन वाहन इत्यादि के सुख को। अब ये दो भाव जब शुभ अवस्था में होंगे तो जाहिर सी बात है इन दो सुखों से जातक अपने जीवन में लाभान्वित होता रहेगा, यानी इन सुखों में कभी कमी नहीं आएगी। और चूंकि पंचम स्थान संतति भी है तो जातक खुद तो भाग्यवान होगा ही, साथ ही साथ उसकी संतान भी उसके भाग्य के अभिवृद्धि में सहायक सिद्ध होगी। आगे बढ़ते हैं। जो मैंने बात बोली थी आपसे कि यदि कि मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा कि आप हतप्रभ रह जाएंगे कि मैं यह क्या कह रहा हूं, और यह बात मैं शोध के बाद कह रहा हूं, यही बता दूं मैं आपको। अब देखिए, यदि नवम भाव के स्वामी गुरु, गुरु यहां द्वादश भाव के भी स्वामी है, और यदि नवम भाव के स्वामी गुरु अष्टम में हो, लग्नेश मंगल या तो लग्न में ही हो अथवा चतुर्थ स्थान में हो। अब यहां भी आप हतप्रभ होंगे क्योंकि चतुर्थ स्थान कर्क राशि जो मंगल की नीच राशि है, और मैं बार बार कहता रहा हूं कि मंगल में बल होना आवश्यक है, और यह उन जातकों के लिए अत्यंत सहायक सिद्ध होगा जिनका मेष लग्न में मंगल कर्क राशि पर स्थित हो, और चंद्रमा यदि दशम भाव में हो, यानी कॉम्बिनेशन वापस से समझिए, नवमेश अष्टम में गुरु, लग्नेश मंगल या तो लग्न में, तब तो स्वराशि रुचक की ओर लगा देंगे, और या फिर नीच के कर्क पे तो भी बनेगा ये, और चंद्रमा स्थित होने चाहिए दशम स्थान पर, तो यह एक अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है। ऐसा जातक न सिर्फ अपने जीवन काल में ऊंचा उठता है, उसके पास धन दौलत भी प्रचुर मात्रा में होती है, और उसके साथ दैवीय कृपा होती है। क्यों होती है? कारण सुनिएगा। दैवीय कृपा इसलिए होती है कि देखिए, अष्टम भाव को बुरा मानना, अष्टम भाव को गलत कह देना, अष्टम भाव को अशुभ कह देना, मैं कभी तक संगत नहीं मानता हूं, क्योंकि हर भाव का एक अलग महत्व होता है, हर भाव की प्रासंगिकता है, हर भाव की महत्ता है। अब यहां जब गुरु अष्टम में आएंगे तो गुरु गूढ़ विद्याओं के प्रति एक सहज अभिरुचि दे देंगे, और धर्म भाव के स्वामी जब अष्टम में आएंगे तो संबंध जो बनेगा, तो व्यक्ति धार्मिकता के गुण रहस्यों को जानने के लिए अत्यंत ललायित रहेगा, उत्सुक रहेगा, और वह मेडिटेशन करेगा, ध्यान में डूबेगा, और वह आध्यात्मिकता के चरम शिखर पर भी पहुंचने का प्रयत्न करेगा। विपत्ति काल में ऐसे व्यक्तियों को दैवीय सहायता मिलती है, ईश्वरीय सहायता मिलती है, आध्यात्मिक मार्ग में, आध्यात्मिक पथ पर ऐसे व्यक्ति बहुत ऊंचा उठते हैं। गुरु की जो दृष्टि जाएगी वह दृष्टि मीन राशि पर जाएगी, उनकी स्वराशि दृष्टि होगी, धन भाव पर, यानी द्वितीय भाव पर, धन भाव पर जो दृष्टि जाएगी इनकी सप्तम दृष्टि, तो भाग्येश का धन भाव से संबंध बनना, धन देंगे, और इनकी जो नवम दृष्टि होगी वह कर्क राशि पर जाएगी जो कि उनकी उच्च दृष्टि होगी। और यही मैंने कहा था, यदि मंगल यहां स्थित होंगे तो
और चंद्रमा का यहाँ स्थित, जब मंगल यहाँ स्थित होंगे तो चंद्रमा का यहाँ स्थित होना अनिवार्य हो जाएगा। अब चंद्रमा की दृष्टि मंगल के निषत्व को भंग करेगी और गुरु की अमृत दृष्टि, गुरु की उच्च दृष्टि उस मंगल को बहुत बल देगी और वह मंगल नीच के ना रहकर के शुभत्व को प्राप्त होंगे और बहुत अच्छे फल देंगे। जातक के जीवन में मंगल, गुरु और चंद्रमा की महादशा जब आएगी तो जातक अत्यंत श्रेष्ठ पद, ऊंचा पद प्राप्त करेगा। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि किसी ग्रह के अशुभ भाव में जाने मात्र से कतई यह अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है कि जातक राजयोग प्राप्त नहीं करेगा। कई ऐसे पॉलिटिशियंस हैं, कई ऐसे एक्टर्स हैं, कई ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिनकी जन्म कुंडली में छठे आठवें में अधिकतर ग्रह हैं, फिर भी वो सफलता के शिखर पर हैं। क्यों? इसके पीछे का रहस्य कुछ ऐसा है। ज्योतिष शास्त्र बिल्कुल विज्ञान पर आधारित है और वैज्ञानिक है। अब एक और नियम पर आते हैं हम लोग, एक और सूत्र। यदि एकादश स्थान में सूर्य, शुक्र और शनि हो, सूर्य यानी पंचमेश, शुक्र यानी सप्तमेश और धनेश, तो देखिए कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है, धनेश का, पंचमेश का, सप्तमेश का, और शनि भाग्येश भी और एकादशेश भी, तो एकादशेश खुद एकादश में, सूर्य शुक्र शनि और पंचम स्थान में गुरु हो, यानी गुरु नौमेश, नौमेश होकर के कहां आ रहे हैं, पंचमे, त्रिकोण का, त्रिकोण में आना शुभ, और गुरु की दृष्टि इन तीन ग्रहों पर, और गुरु की दृष्टि पर मैं जितना महत्व दे रहा हूं अमृत दृष्टि, तो जब दृष्टि गुरु की इन ग्रहों पर जाएगी तो ये ग्रह शुभ हो जाएंगे क्योंकि भाग्येश की दृष्टि होगी और यह कॉम्बिनेशन लाभ स्थान में जातक को अत्यंत धनवान बनाने में सहायक सिद्ध होगी। सप्तम में शुक्र का जाना मालव युग निर्मित करेगा जो कि एक अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग, यानी शुक्र भी यदि सप्तम स्थान में विराजमान होंगे तो भी राजयोग का निर्माण होगा, शनि भी यहां स्थित होंगे तो उच्च के होंगे, शशयोग का निर्माण होगा। देखिए किसी भी जन्म कुंडली में राजयोग को बनने के लिए केंद्र त्रिकोण का संबंध, लग्नेश का बलि होना, स्थान परिवर्तन होना, ये अनिवार्य शर्तें हैं। इसके अतिरिक्त भी कई ऐसे उदाहरण हैं जिनसे राजयोग निर्मित होते हैं, पर ये कुछ प्रमुख सूत्र थे मेष लग्न के लिए जो मैं लेकर के आया था। यदि आपको आज का कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो अवश्य बताइएगा कमेंट करके, और यह मैं मीन लग्न तक मैं यह बताता रहूंगा हर लग्न के राजयोग पर। और वाकई मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ जिस तरीके से आप लोग कार्यक्रम को पसंद कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, उसे मुझे बहुत खुशी मिल रही है। और मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप लोगों का साथ, आप लोगों का प्यार और आपका स्नेह यूं ही मुझे मिलता रहे ताकि मैं खुद मोटिवेट होता रहूं, क्योंकि आपका जो आत्मविश्वास, जो आपका यह विश्वास है, यह मेरे आत्मविश्वास को बढ़ाता है। आपका जो यह विश्वास है, यह मेरे लिए संजीवनी का काम करता है और मैं मोटिवेटेड होता हूं, उत्प्रेरित होता हूं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।